पलामू में ऐसी कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, किसी को हार्ट अटैक आया तो उसमें स्टंट लगाया जा सके, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। किसी का किडनी डायलिसिस कराना है तो ऐसी कोई सुविधा यहाँ नहीं थी उपलब्ध। यहाँ लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ आंतों में ऑपरेशन करना है तो यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, रेफर टू रांची, रेफर टू दिल्ली। अब ये सारे चीज़ इस अस्पताल में अगले 4-6 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। इसमें अंग प्रत्यारोपण तक शुरू होगा, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट का। तो जितना है बच्चों का, महिलाओं का, जो बड़े बड़े ऑपरेशन महिलाओं के होते थे, सबको दिल्ली बाहर जाना पड़ता था, तो ये सारी व्यवस्थाएं अब यहाँ होंगी। पलामू के लोगों को बाहर 13 खर्चा पड़ता था, जाने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा और हॉस्पिटल का दुगना खर्चा, क्योंकि हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल व्यवसायीकरण अपने आप को कर दिए थे, तो 13 खर्चा पड़ता था। तो वो 4 गुना के जगह अब खर्चा आने जाने का बचेगा, लोगों का वहाँ के रहने का खर्चा बचेगा, और जो बाहरी हॉस्पिटल व्यवसायीकरण करके दुगना रुपया लेते थे, जहाँ 100 रुपया लेते थे, क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत कम नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा, अपना सस्टेनेबिलिटी पर चलेगा, तो ये जहाँ 200 रुपया लगता था वहाँ खर्चा होता था, वहाँ 40 रुपया में इलाज होगा। इसीलिए इसको कृष्णा संस्थान ने यहाँ